नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी मर्सिडीज ईक्यूसी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 99,30,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि यह शुरुआती कीमत है जो सिर्फ 50 यूनिट के लिए ही लागू होती है। यह कंपनी और देश की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है और कंपनी का दावा है कि यह करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज प्रदान करती है। मर्सिडीज ईक्यूसी इलेक्ट्रिक को वर्तमान में फेज 1 के तहत सिर्फ 6 शहरों में बेचा जाएगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद की 13 जगहें शामिल हैं। इसके लिए देश में 48 शहरों में 100 से अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट से बुक किया जा सकता है। इस एसयूवी को एक मॉडिफाइड जीएलसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस कार में 80 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो कि दो इलेक्ट्रिक मोटरों को ताकत देती है। इसकी दोनों इलेक्ट्रिक मोटर 408 bhp की पावर और 760 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करती है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज होने पर 445 से 471 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। यह कार सिर्फ 5.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार्जिंग की बात करें तो इसे 3 तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी डीसी चार्जर से सिर्फ 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसके अलावा इसे एसी वॉल बॉक्स की मदद से 10 घंटों में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है। वहीं होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन के माध्यम से इसे चार्ज करने में 21 घंटों का समय लगता है। मर्सिडीज ईक्यूसी इलेक्ट्रिक के डिजाइन की बात करें तो इसमें सिग्नेचर 3-पार्ट LED DRL दिए गए हैं। इसके साथ ही कार के सभी तरफ ब्लू एक्सेंट देखने को मिलता है जिसमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं। इसके इंटीरियर को कंपनी की एक अन्य GLC से लिया गया है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें MBAX ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कई स्मार्ट कनेक्टेड तकनीक और वर्चुअल असिस्टेंट से लैस है। यह निकटतम चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग जानकारी, ऊर्जा खपत, नेविगेशन आदि की जानकारी प्रदान करता है। इसमें मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जहां से ड्राइवर दोनों स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।